हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल तारावती किचन्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स हम चल रहे हैं सूजी आलू से स्नैक्स बनाने इसे आप चाय के साथ सुबह बना सकते हैं खाने में काफ़ी टेस्टी होता है आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स देखिए वीडियो शुरू करने चल रहे हैं ऑयल डाल दिए हैं कड़ाही में तीन से चार चम्मच तक ऑयल डाले हैं एक चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे ऑयल हमारा गरम हो गया है तो हम जीरा को डाल दिए हैं जीरा हमारा तड़कने लगा है आप देख सकते हैं हम बारीक मिर्च को काटे हैं ये उसे डाल देंगे आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च को बिल्कुल स्किप कर दीजिए मत डालिए हम एक डाले हैं अदरक डाल देंगे बारीक काट लिए हैं आधा इंच टुकड़ा अदरक का था उसे हम बारीक काटे हैं उसे भी डाल दिए हैं अच्छी तरीके से धीमी आंच पे हम भून ले रहे हैं आप देख सकते हैं मिर्च अदरक भून गया हमारा हम तिल को डाले हैं सफ़ेद तिल हमारी है एक चम्मच हम डाले हैं सफ़ेद तिल को चिल्ली फ्लेक्स को डाले हैं आधा टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स फ्रेंड्स अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए मट डालिए हम अच्छी तरीके से सब भून लिए हैं अभी हम मसाले पानी को ऐड करेंगे देखिए अभी पानी नहीं ऐड किए हैं अच्छी अच्छे तरीके से भून के फिर पानी ऐड करेंगे हम आधा टी स्पून हल्दी डाले हैं हल्दी भी हमारी कुक हो गई है अब हम पानी को ऐड करेंगे देखिए पक गए हैं अब हम पानी डालते रहे हैं हम एक गिलास छोटे गिलास से पानी नाप के डाल रहे हैं डेढ़ गिलास पानी डालेंगे अगर आप नापेंगे कप से मेजरिंग कप से तो दो कप पानी है फ्रेंड्स ये हमारा तो हम डेढ़ कप डाल रहे हैं डेढ़ गिलास डाल रहे हैं और अच्छी तरीके से हम इसे पकने देंगे एक बॉयल आने देंगे स्वाद अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं आधा टी स्पून नमक आप अपने अनुसार स्वाद अकॉर्डिंग अपने स्वाद के हिसाब से डालिए देखिए एक बॉयल आ गया है एक कप सूजी लिए हैं हम सूजी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि इसमें कोई लम्स न पड़े और पकने का सूजी को समय भी मिल जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है इकट्ठा में सूजी बिल्कुल नहीं डालनी है इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि सूजी को इकट्ठा बिल्कुल मत डालिए थोड़ा थोड़ा ही करके डालिए तो इस तरीके हम थोड़ा थोड़ा करके ही सूजी को डालते जा रहे हैं इससे सूजी पकती जा रही है आप देख सकते हैं इस चीज़ को देखिए हम चलाते जा रहे हैं और सूजी हमारी कुक होती जा रही है हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसी तरीके पूरी सूजी को एक कप सूजी हमारी है आप कटोरी से किसी भी चीज़ से नाप के नाप सकते हैं ये देखिए सूजी हमारी बिल्कुल कोक होती जा रही है हम थोड़ा है उसे भी डाल देंगे हम इकट्ठा बिल्कुल नहीं डाले हैं आप इस चीज़ को देख सकते हैं तो हम सूजी को डाल दिए हैं अब हम अच्छी तरीके से चलाएंगे धीमी आंच पे ही हमें सूजी को पकाना है इससे सूजी हमारी अच्छी तरीके से कुक जा कूक हो जाएगी हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है देखिए धीमी आंच पे ही हम सूजी को चलाते हुए पका रहे हैं सूजी ऐसे पक जाएगी और अच्छी तरीके से एक डो फॉर्म में आ जाएगी तो इस तरीके हम चलाते हुए सूजी को पकाएंगे तो देख रहे हैं आप उनकी सूजी चलाते हुए पका रहे हैं धीमी आंच पे बिल्कुल पका रहे हैं सूजी को और सूजी हमारी बिल्कुल कुक हो गई है आप देख सकते हैं डो फॉर्म में सूजी हमारी आने लगी है देखिए सूजी हमारी एक फॉर्म में आ गई है सूजी हमारी कुक हो गई है हम गैस को ऑफ कर दिए हैं हम एक प्लेट में सूजी को निकाल लेंगे फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो सूजी को हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं सूजी को ठंडा होने देंगे देखिए सूजी हमारी ठंडा हो गई है तो दो आलू हम ग्रेट करके बॉयल कर लिए थे ग्रेट कर लिए हैं उसे आप मैश भी कर सकते हैं हम ग्रेट कर लिए हैं हरी धनिया डाल देंगे इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है तो हम देखिए आधा टी स्पून चाट मसाला डाल दिए हैं और नमक हम पहले भी ऐड किए हैं सूजी में तो नमक हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है आधा टी स्पून हम डाल दे रहे हैं नमक और इसमें हम चाट मसाला ऐड किए हैं और दो दो टी स्पून हम इसमें चावल का आटा डाल रहे हैं अगर आपके पास चावल का आटा है फ्रेंड्स तो ज़रूर डालिए इससे नाश्ता बहुत टेस्टी बनता है कुरकुरा बनता है तो आप ज़रूर डालिए अगर नहीं है तो आप मैदा वग़ैरह कुछ भी इसमें डाल सकते हैं तो दो टेबल स्पून हम चावल का आटा डाल डाल दिए अच्छी तरीके से हम सब मिला लेंगे और हल्की सूजी गरम हो फ्रेंड्स तभी मिलाइएगा तो इससे जो है नाश्ता हमारा खूब अच्छा बनेगा और देखिए इस तरीके से हम हल्का गरम सूजी है और उसमें हम सारा आलू और चावल के आटा को अच्छी तरीके से मिक्स कर दे रहे हैं हाथ की सहायता से इसी तरीके हमें अच्छी तरीके मिला लेना है मैस करते हुए देखिए मिला लिए हैं डो बना लिए हैं हम हाथ में ऑयल लगा रहे हैं हम नाश्ते को बनाएंगे ये स्नैक्स फ्रेंड सुबह है आप चाय के साथ बनाएं और चाय के साथ सर्व करें बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में बहुत टेस्टी लगता है एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा ये देखिए इस तरीके हमें बना लेना है फिर हम कट करेंगे आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं लेकिन स्नैक्स है फ्रेंड तो इसी शेप में बनाएंगे थोड़ा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से हम कट कर ले रहे हैं चाकू से देखिए हम इस तरीके हाथ से इसे कर दे रहे हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसी तरीके हम सारे नाश्ते को बना लेंगे आप देख सकते हैं इसी तरीके में सारे कर लेना है फिर हम फ्राई करेंगे तेल को हम पहले ही रख दिए हैं गरम होने के लिए और तेल हमारा खूब अच्छा गरम हो गया है ये देखिए इतना हम बना लिए हैं अभी हम और जो बचा है उसे भी बनाएंगे तेल हमारा खूब अच्छा गर्म है हम डाल दे रहे हैं सारे स्नैक्स को और हमें एक डेढ़ मिनट तक बिल्कुल इसे छूना नहीं है नहीं से छुएंगे तो ये फटने लगेगा तो इसलिए हमें एक से डेढ़ मिनट तक उसे अच्छी तरीके से पकने देना है इसे स्नैक्स हमारा अच्छी तरीके से एक साइड उसे पकने का मौका मिलेगा और वो अच्छी तरीके से पक जाएगा ये देखिए एक से डेढ़ मिनट हो गया है अच्छी तरीके कुक हो गया है हम उसे बिल्कुल टच नहीं किए हैं अब इस तरीके हम धीमे धीमी आंच पे अब थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इसे करके पका रहे हैं आप देख सकते हैं इसे जलेगा भी नहीं और अच्छी तरीके से कुक भी हो जाएगा नाश्ता तो अच्छी तरीके से हम चलाते हुए इसे पकाएंगे ये देखिए दोनों साइड अच्छी तरीके से कुक हो गया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है नाश्ते का अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा हमारा लगता है फ्रेंड्स आप सबको तो लाइक करिएगा हम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ये देखिए इसी तरीके नाश्ते को हम बना लेंगे सारे नाश्ते को और हम निकाल लेंगे क्योंकि नाश्ता हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है हम निकाल ले रहे हैं ये देखिए जो बचा है उसे भी हम इसी तरीके बना लेंगे फ्राई कर लेंगे निकाल ले रहे हैं एक प्लेट में देखिए एक प्लेट में हम निकाल लिए हैं जो बचा है उसे भी हम डाल दे रहे हैं और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे ये देखिए सारे नाश्ते को हमें डाल देना है तेल फ्रेंड्स को अच्छा गर्म होगा तभी आप डालिएगा नहीं तो फटने लगेगा ये नाश्ता अगर धीमी आँच पे आप डालेंगे को अच्छा गर्म होते तभी डालिए उसके बाद मीडियम फ्लेम पे करके इसे पकाइए आपका नाश्ता खूब अच्छा बन तैयार होगा ये देखिए दो दूसरे बैच का भी नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है हम उसे भी निकाल ले रहे हैं ये देखिए सारे नाश्ते को हम निकाल ले रहे हैं देखने से आपको पता चलता होगा कि स्नैक्स फ्रेंड्स कितना अच्छा बना है तो हम निकाल लिए हैं प्लेट में जो बचा है उसे भी हम बना लिए हैं उसे भी निकाल लिए हैं हम एक तोड़ के भी आप सबको दिखाते हैं ये कितना क्रिस्पी कुरकुरा बना है और टेस्टी तो है ही है चाय के साथ आप इसे सर्व करिए तो हम तोड़ के दिखा दे रहे हैं आप सबको ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर फ्रेंड्स कितना अच्छा बना है ये आप देख सकते हैं तोड़ के दिखा रहे हैं आप सबको ये देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स देखिए टोमेटो साथ के साथ सर्व कर दिए हैं